बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बेला में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत होंगे जी। तो गाइस, आज हम लोग होम मेड KFC चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक फुल चिकन लिया था और एक कप सिरका, एक कप पानी में इसको डिप कर दिया था चिकन को, और अभी हम लोगों ने आधे घंटे के बाद इसको ड्रेन कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड फ्लेक्स, 2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून सोया सास, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सास। इन तमाम अज़ा को हम लोगों ने मिक्स कर देना है और इसको 15 मिनट्स तक फ्रिज या फ्रीज़र में रख देना है ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और एक लेमन जूस हम लोगों ने ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट्स तक हम लोग इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे। अभी मैंने 1/2 kg मैदा लिया है, उसमें मैंने चिकन को अच्छे से कवर करना है मैदे से। फिर हम लोगों ने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें इसको डिप करके अगेन इसकी कोटिंग करनी है मैदा से। तो कोटिंग हमारी अच्छे से हो रही है। अभी पानी में डिप करके अगेन इसकी कोटिंग करनी है। इस तरह हम लोग करते रहेंगे फुल चिकन की कोटिंग। पानी में डिप करके अगेन उसकी कोटिंग करेंगे। फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए और फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। काइंडली अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारी कोटिंग कंप्लीट हो गई, अभी हम लोग फ्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार KFC होममेड चिकन रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।